नमस्कार आम मंदिर आउ एक अध्याय को स्वागत करुच्छी मु भवानी। दर्शक बंधु आज आसतु जानवा आम मंदिर में केन्दुझर जिला घटगाँवे माँ तारिणी मंदिर विषय। राज्यर विभिन्न शक्तिपीठ मध्य स्वतंत्र स्थान अलंकृत कर पीठ कहुए केन्दुझर राजबाटी को जवा समय शाड़ बण में रही जाठ माँ तारिणी पीठ केन्दुझर सहर ठार मात्र 45 किलोमीटर दूर से घंच अरण्य अवस्थित। अतीत केन्दुझर पुरी गजपति महाराजा एक गणजात राज्य था। यह अंचल घंच जंगल में परिपूर्ण थवकू से समय भल रास्ता नाला। एठार कंध कुआंग और शबर संप्रदायर लोक मैंने रोते आउ 500 वर्ष पूर्वर कथा जदि देखा 500 वर्ष पूर्वे केन्दुझर में राजा थे त्रिलोचन भंज। पुत्रों नाम थिला गोविंद भंज। गोविंद भंज जुअवस्था पूर्वर ही युद्ध विद्यारे पारंगम थे। पुरी में सेतबले गजपति राजा थे श्री पुरुषोत्तम देव। जेतबले कांची युद्ध में प्रथम थर पराजित हो जगन्नाथ शरणापन्न होती श्री पुरुषोत्तम देव आई समय स्वप्नादेश है तु आउ थे कांची अभियान आयोजन कर ए युद्ध में आम दुई भाई तोर सहायता करू आसंतकाली प्रत्युषरु बड़दाण्ड में जहाँ घर चाल उपरे अमर धंडामाल पड़ा देखिबू ताकू ही एक युद्धर सेनापति करिबू। ठीक से ही हिला बड़दाण्ड में राजनगर उन्नति दूर से जनकर चाल उपरे फूल धंडामाल पड़ा आउ जो घर धंडामाल मिलता से घरे रोते गोविंद भंज। पिता मतांतर हेबारु निज परिचय लुचाई केन्दुझर छाड़ी पुरी में रोते गोविंद भंज। गोविंद भंजों निकटर तर परिचय पाइबापर गोविंद भंजों को सेनापति करते पुरुषोत्तम देव। दिने सेनापति गोविंद भंज सैन्य सामंत कांची सीमार जवाबे हठात घोड़ा गोटे जगार ढड़ा हो जाता। घोड़ा काहीकि अटकीगला तहार कारण चिंता करू करू दृष्टिगोचर है माँ तारिणी पीठ। सेठे माँ को पूजार्चना करते सेनापति गोविंद भंज। माँ युद्ध में विजयी होबार अभयवर प्रदान कले। युद्ध में विजयी होगापर माँ तारिणी सहित पुरी को प्रत्यावर्तन कले गोविंद भंज। पर 1480 केन्दुझर राजा त्रिलोचन भंज मृत्यु पर गोविंद भंज केन्दुझर राजा हेले। मात्र से पर्यंत से माँ को केन्दुझर आनी नथिले। किछि दिन परे गजपति पुरुषोत्तम देव गोविंद भंज को जय गोविंद भंज महाराज उपाधि भूषित कर पुरी अधीन आठगड़ अंचल उपहार स्वरूप प्रदान करते। समय कांचीरु आनी देवादेवी मदन मोहन रघुनाथ जीव और माँ तारिणी को सांगरे नेबापाई कहते गोविंद भंज। माँ पाताली होइतिबारु माँ को केमिति नेबे से चिंतार गोविंद ध्यानमग्न हेले। आउ माँ स्वप्न में कहते मुपरी घोड़े चढ़ी कांचीरु पुरी आसी ठीक सेमिति घोड़े चढ़ी तो पछे पछे जी घोड़ा चलिए मो पादर नूपुर ऋणुझुणु शब्दर तू जानबूजे मु तो पछरे जाऊँ किंतु तू जदि पछक चाह मत देखा चेष्टा करू मु पाषाण हो सहीठे रही। पर दिन अन्य देवादेवी विग्रह सह गोविंद जाता बेले ठीक केन्दुझर मध्यस्थल गोविंद घोड़ा आग को गला पछरे आसुवा माँ तारिणी नूपुर ऋणुझुणु शब्द भी आज शुणगला ना। गोविंद विचलित तो पछक चाहे सर्त भग्न हो माँ पाषाण पलटिगले आईठे ही रही। से भली माँ पीठर नाम घटगाँवा पक्षर कारण रही। माँ पूजार्चना सेठे बेउरी मैंने करुले। तेज जदि कौन समय पूजक पर कहीं जन्म हेले मृत्यु मुखरे पड़े माँ पूजार्चना बाधाप्राप्त होता तेज यार बाट माँ निजे फिटाई गोटे मटी घटे गोघृत पूर्ण कर पाखे कुसुम गछरे टांगा को माँ स्वप्न में कही अशौच हेले से घटर टिके घी पात्र पान कर और आउ टे घी दुबघास बुड़ाई मुंडे छिंचले से शौच हो से ही दिन ठारु घीयगट बंधाइबा कारण माँ पीठर नाम है घटका। विशेषकर मानसिक करितिपा भक्त माने वर्ष तमाम माँ निकट को नड़िया पठाई था माँ को नड़िया रंकुणी बोली मध्य कहा जाए। तबे आम मंदिर आज अध्याय को ये रखुचु पुणी देखा आउ एक मंदिर आउ एक अध्याय रोची। नमस्कार।